हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रथ पर सवार होकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर दक्षिण मध्य मुंबई के शिवसेना उम्मीदवार राहुल शेवाले ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान शिवसेना बीजेपी आरपीआई के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। शिवसेना भाजपा आरपीआई के और आसपा और दलित आकर के बहुत सारे कार्यकर्ता आज इस रैली में नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं और जो लोगों का आशीर्वाद और सहकार्य मिल रहा है उसे लग रहा है कि दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र पे फिर एक बार भगवा ले रहेगा। लोगों ने भी वो संकल्प किया वो उनको भी लागू हो जाता है। एकनाथ गायकवाड़ 10 साल दिखे ने और 5 साल तो लोग भूल भी गए थे। अभी गलती से कांग्रेस ने वापिस टिकट दिए तो लोगों को वापिस उनकी थोड़ी याद आई है। तो उनका जो भी कहना है तो उनके अभी उनकी उम्र भी हुई है उस हिसाब से उनको ये सब उनके दिमाग में आता रहता। उम्मीद नहीं मैडम, 101 तक का राहुल जी शेवाले साहब शिवसेना ये वार्ड से जीतेगी। महायुति का उम्मीदवार राहुल जी शेवाले साहब 101 तक का जीतेंगे, मतलब जीतेंगे। क्योंकि देखिए हमारी महायुति है शिवसेना बीजेपी आरपीआई की, तो आपको 23 तारीख को मालूम पड़ेगा शेवाले साहब कितने मतों से जीतेगी। आपने देखा रहेगा कि माहौल कितना खुशी का है और जीत आज ही हम लोगों ने हासिल की है ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि हम लोग का जो चालू है कैंपेनिंग वो जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ही हमारा कैंपेनिंग चालू हो गया है। शेवाले साहब का जो काम है हम लोग काम के मेरिट पे चुन के आने वाले हैं, ये हम लोग नहीं चुन के आने वाले। और सिर्फ अपने ये हम लोग को देखना है कि कितना मार्जिन से हम लोग चुन के आते हैं। हमारा टारगेट है कि महाराष्ट्र में हम लोग नंबर वन रहे मार्जिन के मामले में, क्योंकि इतना काम किया है पूरे लोकसभा क्षेत्र में कि कोई जगह ही नहीं रहेगी लोगों को बोलने के लिए। आज हमारा खासदार साहब है वो पहली टर्म में पूरे महाराष्ट्र में पांचवा नंबर लिया है। अटेंडेंस के मामले में देखा जाए तो 94% अटेंडेंस है लोकसभा में, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जैसा स्मार्ट मतदार संघ स्मार्ट खासदार ये साहब ने करके दिखाया है। और हमको पूरी गारंटी है कि हम लोग चुन के आने के बारे में कोई भी दोहरा नहीं है, सिर्फ हम लोग को अभी मार्जिन हासिल करना है। और हमारा पूरा टीम लगा हुआ है कि हम लोग को 200% 100% नहीं 200% हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मार्जिन में सबसे आगे रहेंगे, मुंबई में नहीं महाराष्ट्र में हम लोग सबसे आगे रहेंगे। अभी देखो क्या होता है मालूम है क्या, हमारा तो पूरा राजनीति सफर में मैंने जैसा एक खासदार को देखा है ऐसा कोई खासदार मेरे नज़र में नहीं आया। कांग्रेस का तो इतिहास है कि खासदार घर में रहने के बावजूद बाहर बोलते हैं कि नहीं ऐसा आप दिल्ली में गए। ये चेंबूर वासियों ने बहुत सालों से अनुभव किया है, ये इन्होंने बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा खासदार का 7 दिन ऑफिस खुला रहता था, आयोसो मार्ग का ऑफिस है हमारा और सब जनता जानती है कि हमारा खासदार के पास जाने के बाद में कोई लेटर नहीं मिला है या किसी का काम नहीं हुआ ऐसा एक भी तकरार नहीं है। उसके विरुद्ध में देखो कांग्रेस के खासदार कितने लोगों से मिलते कितने लोगों को लेटर देते कितने लोगों का काम हुआ। अरे चुन के जाने के बाद में 5 साल जो चेहरा नहीं बताते आज हम लोग के ऊपर आरोप लगाते उनको बोलो 29 तारीख को इलेक्शन के बाद में 23 तारीख को जो रिजल्ट होगा उस टाइम अपना काम का क्या है वो दिखा देंगे हम लोग। शिवाले साहब ने आज पर्चा यहाँ पे भर दिया। शिवाले साहब के साथ में आपने देखा होगा कि यहाँ पे भारी संख्या से भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता आरपीआई के कार्यकर्ता सब लोग ने साथ मिल के यहाँ पे हम लोग पर्चा भरने के लिए आए। ये कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण है राहुल जी के चुनाव के बारे में। तो ये जो आज यहाँ का जो चित्र है ये चित्र पूरे वार्ड में भी प्रचार के दरमियान घूमते तब भी यही जो आज चित्र वही चित्र दिखता है। और इसीलिए हम सभी लोग शिवसेना के हम सभी नगर सेवक हम कार्यकर्ता विभाग प्रमुख हम लोग राहुल शेवाली के साथ में यहाँ पे आए फॉर्म भरने के लिए आए। तो हम लोग सब मिलके उनको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि शिवाले साहब हमारे जरूर यहाँ पे चुन के आएंगे। अभी सबसे पहले तो मैं शिवाले साहब का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ कि जो पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो विश्वास रखा और महायुति के उम्मीदवार करके उनको घोषित किया और आज जो जनसागर देख रहे हो तो उनकी जो प्रियता है लोकप्रियता है वही आज का नतीजा है कि जो उन्होंने
5 साल में काम किया है, केंद्र सांसद में जो काम किया है वो आज उसी का आज ये है कि इस तरह से मुंबई से लेके महाराष्ट्र से लेके जो कुछ भी समस्या थी कि फिर केंद्र तक उन्होंने लिया, उनको संसद पद भी प्राप्त हुआ है। तो कार्यकर्ता में एक जल्लोष है कि हमारा जो हुशार पढ़ा लिखा और अच्छा जो लोकप्रिय नेता है वो वापस फिर से संसद में बैठे और हमारे गली की समस्या दिल्ली तक पहुंचे और इसी का आज नतीजा है। ऐसा ही हर एक वार्ड में भी मिलता है, जैसे विभागप्रमुख सदनकर साहब ने आपको बताया उसी तरह से माहौल है। एक जिम्मेदारी है और महायुति का उम्मीदवार आज उन्होंने अर्जी भरी है, लेकिन ये जो माहौल है ये जैसे उनके जीतने का ही जल्लोष दिख रहा है आपको। नमस्कार, आज दक्षिण मध्य मुंबई जिल्ह्याच्या लोकसभा मतदारसंघातून राहुल शेवाळे साहेबांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आम्ही सर्व एकत्र आलो। रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं सन्माननीय खासदार रामदासजी आठवले साहेब यांनी संविधान व बंगल्यावरती राहुल शेवाळे साहेब आल्यानंतर त्यांना आशीर्वाद दिला आणि आशीर्वाद दिल्यानंतर संपूर्ण दक्षिण मध्य मुंबई जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांना आदेश दिला की वाटेल त्या पद्धतीनं राहुल शेवाळे साहेबांना आपल्याला मदत करायची आहे आणि आज हा उमेदवार जे अर्ज दाखल नसून आज ही खऱ्या अर्थानं विजय मिरवणूक आहे, त्यामुळे विजय आमचा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या 29 तारखेला आपण बघू घोडा आणि मैदान समोर आहे, त्यामुळं आजच्या दिवशी ही आमची खऱ्या अर्थानं विजय मिरवणूक निघालेली आहे, त्यामुळं येणाऱ्या 29 तारखेला प्रचंड मताने धनुष्यबाणावर शिक्का मारून आम्ही सर्वजण राहुल शेवाळेंना निवडून आणणार आहे। हम लोग जीत के लाएंगे। कितनी खुशी हो रही है? खुशी की बात है ही है क्योंकि हमारे खासदार दोबारा खासदार बनने जा रहे हैं 5 साल के लिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि दोबारा खासदार बनने जा रहे हैं क्योंकि उनका जो काम है 5 साल का वो ग्राउंड लेवल पे है और हमने खाली शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक भी उनको चाहती है, जनता भी उनको चाहती है और दोबारा वो काफ़ी बड़ी संख्या से वोटिंग में जीत के आने वाले हैं और कांग्रेस का क्या होने वाला आप सब देखने वाले। मैं सविता शिवसेनी, आम्ही इथं शेवाळे साहेबांसोबत इथं आलो आहोत। शेवाळे साहेब आत्ताच फॉर्म भरायला गेले आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांचा पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत आणि त्यांनी फॉर्म भरला आहे, हा फॉर्म त्यांचा फॉर्म नाही आहे, हे विजयाचा फॉर्म आहे आणि ते नक्की 100% निवडणुकीमध्ये निवडून येणार आहे आणि फक्त निवडून नाही येणार, भरघोस मताने निवडून येणार आहेत आणि आमच्यासोबत सगळे अनुशक्तीनगर पूर्ण पब्लिक भरपूर आले, पूर्ण विभाग आले, पूर्ण अनुशक्तीनगर आले, माझ्या महिला आलेल्या आहेत आणि आमच्या वार्डातील नगरसेविका अंजली संजय नाईक या पण व्यवस्थित रीतीने काम करत आहे आणि विजय नावगावकर भाऊ ते पण व्यवस्थित रीतीने काम आहे, स्वातीताई दबडे विभाग प्रमुख सगळे आपापले व्यवस्थित रीतीने काम करत आहे आणि नक्कीच साहेब जिंकून येणार आणि साहेबांचा आम्हाला भरपूर आमचा भरपूर पाठिंबा आहे आणि 100% साहेब निवडून येणार आणि बेस्ट ऑफ लक। जो पिक्चर होता है या ड्रामा होता है उसको ऊपर डायरेक्टर कभी दिखाई नहीं देता, ये डायरेक्टर का जैसा काम है और पिक्चर तो आपके सामने है, जो भी कुछ काम किया हुआ है आपके सामने है, आपको मालूम नहीं होगा, आप जब पिक्चर देखेंगे तो सब बात आपको। राहुल शेवाळे साहब को हम लोग सब साथ में हैं और हम लोग कभी भी रात को कभी भी पहुँचे, उनके घर पे पहुँचे, दिन में उनके ऑफिस में पहुँचे, तो हम लोगों का सब उन्होंने काम किया है और हम मुस्लिम हिंदू सब लोग सारे समाज के लोग मिलकर हम लोग जीता रहे हैं, उनकी जीत होगी। और राहुल शेवाळे साहब सब जात धर्म को लेके चलते हैं, सबसे ज्यादा ताकत सबसे बड़ी ताकत उनके पास ये है कि सब मुस्लिम लोगों को कवर किया है और मुस्लिम लोगों के बहुत काम किए ले उनने। चिता कैंप में उनकी रैली थी, 50 मोटरसाइकिल थी और 25 बड़ी बड़ी गाड़ी थी, ट्रक भर के लोग थे, सब मुस्लिम थे, उसमें खाली मैं एक हिंदू था, मैंने खुद आँख से देखेला है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ राहुल शेवाळे के टप में कोई नहीं है, कौन सा पक्ष नहीं है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।